हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बोस कंपनी का GHO 10-82 जो प्लानर मशीन रहता है, तो उसको कैसे हम रिपेयर कर पाएंगे। सबसे पहले मशीन को चला लेते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं मशीन को चला लिया, लेकिन मुझे कोई भी फॉल्ट नहीं पता चला। और कस्टमर को मैं पूछा, कस्टमर ने बोल रहा है कभी कभी ये प्रेशर पड़ने में साउंड हो रहा है। तो आज की वीडियो में ये जो प्रॉब्लम है उसी के बारे में बताएंगे। अगर आप उसको खोल लेंगे, बेयरिंग चेक कर लोगे, फिर भी ये सही दिखेगा, लेकिन क्या मेन प्रॉब्लम रहता है वो उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए इस टाइप का वीडियो आगे देखने के लिए। कोई भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है आपको, ऑल इंडिया में पार्सल हो जाएगा। ऊपर में आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऑनलाइन स्टोर रूम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैं हर स्क्रू खोल लूँगा, उसका बेल्ट यहाँ पे खोल लेता हूँ। आपको पूरा खोलना पड़ेगा, कार्बन आपको सबसे पहले खोल के जितने भी उसके सामने वाला बेरिंग ब्रेकर में स्क्रू लगता है, बैक कवर खोलना है आपको। फिर ये पूरा आसानी से खोल जाएगा, ये इसको कोई भी पिटने की ज़रूरत नहीं। पूरा स्क्रू निकाल लोगे तो ये देखिए पूरा आसानी से निकल जाएगा। अगर परफेक्ट तरीके से ये बेरिंग फेरिंग नहीं हाथ उठाए तो आसानी से निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, मुझे भी यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं लगा, क्योंकि 4 बेरिंग से 3 बेरिंग बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन एक बेरिंग मुझे डाउट लगा था और वहीं ही दिक्कत था, और उसी को मैं चेंज करूंगा आज। तो इसमें दोस्तों, अगर आप प्लानर मशीन खोल लो, कस्टमर जो बोलते हैं उसके परमिशन से आप जितने भी उसमें 4 बेरिंग लगते हैं 4 बेरिंग चेंज कर लो। अगर कस्टमर नहीं मान रहा है तो जो बहुत ज़्यादा ख़राब है उसको चेंज कर लीजिए, और थोड़ा थोड़ा भी ख़राब है, पूरा परफेक्ट है तो उसको रखिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होने से उसको चेंज कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा से भी ख़राब होने से उसको चेंज कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए, दोनों बेरिंग यहाँ पर मैं उसका जो हेड में लगता है, बेरिंग ब्रैकेट में लगता है, वो मैं चेक कर लिया, बिल्कुल सही सलामत है। और यहाँ से जो रोलर में जो बेरिंग लगता है, 607 का बेरिंग लगता है। इसमें दोस्तों 4 बेरिंग लगता है, रोलर में एक लगता है 607, और ऊपर में रोलर के ऊपर 6000, और आर्मेचर में 608, आर्मेचर के नीचे 626, 4 बेरिंग लगता है। और यहाँ पे ये देखिए, मैं 607 का बेरिंग खोल रहा हूँ क्योंकि ये डैमेज है। तो 607 दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी आपको अगर पकड़ोगी तो ये सही दिखेगा, लेकिन कभी कभी ये जाम हो रहा है, मतलब मैं घुमा रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा साउंड भी आ रहा है, मतलब कुछ और सा आवाज़ आ रहा है, तो इसके वजह से ये बेरिंग जाम हो जाता है, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों और भी एक बेरिंग है, मैं आगे दिखाऊँगा। और यहाँ पर 607 का बेरिंग चेंज कर रहा है, और ये जो प्लानर का ये रोलर रहता है उसमें नीचे जो मैं अभी खोल रहा हूँ ये 607 है, उसके ठीक अपोजिट साइड में उसका स्टार में 6000 का बेरिंग लगता है, और आर्मेचर में, दोबारा बोल रहा हूँ, आर्मेचर में 608 जो ऊपर वाला बेरिंग, और आर्मेचर के नीचे जो कम्यूटेटर रहता है उसके तरफ से, उस तरफ से आपको 626 का बेरिंग लग जाएगा। और ये बोस का GHO 10-82 मॉडल का ये मशीन है। और यहाँ पे मैं बोस का ओरिजिनल बेरिंग यूज कर रहा हूँ, अगर आपको ये ओरिजिनल बेरिंग भी चाहिए, सभी बेरिंग का लिंक, कोई भी इसका कार्बन, सब कुछ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरा ऑनलाइन स्टोर में। आप वहाँ पे जाके पेमेंट कीजिए, आपका एड्रेस भरिए, 100% आपके हर इंडिया के कोई भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कोई भी आपको ये मतलब नहीं है कि आप बड़ा अमाउंट कर लो, कि 100 रुपये का भी ऑर्डर है तो 100% आपके जाके पहुंच जाएगा। आपको अगर वेलिप नहीं हो रहा है तो 100 रुपये का ऑर्डर करके देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं हर बेरिंग को आपको पूरा अच्छा तरीके से चेक करना है, अगर कोई भी डाउट रहता है, थोड़ा सा भी डाउट रहता है, उसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये बोस का प्लानर मशीन है, ये लोकल नहीं है। अगर एक बेरिंग टूटेगा नीचे वाला तो ये कस्टमर ने कंटिन्यू उसको चलाएंगे, तो इसके वजह से आपका कस्टमर का जो पूरा मोटर हाउसिंग रहता है वो ख़राब हो सकता है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एक बेरिंग का दाम 40-50 रुपये पड़ता है, तो ज़रूर इसको चेंज कर लीजिए कस्टमर को। यहाँ पे देखिए, मेरे जो आर्मेचर के ऊपर वाला 608 का बेरिंग, मुझे इसमें डाउट लगा, तो मैं उसको
100% चेंज कर लूँगा, क्योंकि डाउट है आपका माइंड में तो ज़रूर चेंज कर लीजिए। कस्टमर अगर कस्टमर को पूछ के चार्टो वायरिंग पूरा चेंज कर लीजिए, लेकिन ये कस्टमर ने बोला कि भाई मैं इसको ये लगभग 2-3 महीना से ये चेंज किया था मैं, तो ये थोड़ा चेक कर लीजिए। मैं बोला चलो ठीक है, और जितना इसके अंदर वायरिंग ख़राब होगा मैं उतना चेंज कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं दोनों वायरिंग 608 और 607, जो एक रोलर में नीचे वाला 607 बेरिंग, आर्मेचर में ऊपर वाला 608 बेरिंग, दोनों को मैं यहाँ पे चेंज कर लिया। और यहाँ पे मुझे जो लग रहा है लगभग पूरा कम्प्लीटली फिटिंग हो, इसका जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है। तो आगे देखेंगे, क्योंकि इसमें तो कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दिया पहले जो चलाया, और यहाँ पे भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये सॉल्व होने के बाद कैसे पता चलेगा कि जब इसमें प्रेशर पड़ेगा प्लानर मारेंगे। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यही प्रॉब्लम था और कोई ही इसमें इशू नहीं है। और ये दोस्तों मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आर्मेचर में जो 600 वाट का बेरिंग लगता है वो पूरा स्मूथ ले जाता है, आपको पीटने की जो ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे कि आपने देखा कि मैं 607 का बेरिंग पीट कर लगाया, लेकिन 608 बेरिंग उसको पुश कर लिया या अंदर चला जाएगा, ये कोई फॉल्ट नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही रहता है। नया मशीन में ही ऐसा रहता है। अब ये बहुत लोगों ने कमेंट करते हैं भाई ये ढीला हो गया है, ऐसा नहीं है, 608 का बेरिंग जो आर्मेचर का है वो ऐसे ही जाता है। तो अभी दोस्तों मैं कार्बन लगाऊंगा, कार्बन बहुत महंगा है, 350 के आसपास ये कार्बन है, बोस का रिजन लोकल आपको 30 रुपये में मिल जाएगा, वो भी अवेलेबल है मेरे वेबसाइट में। लोकल का कार्बन आप लेके यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ओरिजिनल कार्बन लेके यूज़ कर सकते हो। ओरिजिनल कार्बन का फायदा ये है आपका आर्मेचर कभी भी नहीं ख़राब नहीं होगा, बाई चांस अगर ख़राब हो जाता है हो जाता है, लेकिन डुप्लीकेट कार्बन लगाओगी 70% चांस है आपका आर्मेचर ख़राब हो जाएगा। तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, दोनों कार्बन में डिफरेंस ये है, क्योंकि एक 350 या 370-380 रुपये पड़ता है, और एक 30-40-50 रुपये में मिल जाएगा। तो अभी दोस्तों कार्बन लगाने के बाद उसका कार्बन कैप दोनों को लगा के उसका कवर लगाएंगे। कार्बन कैप आपको पहले लगाना पड़ेगा, कार्बन लगाने के बाद कार्बन कैप लगाओगी, फिर उसके ऊपर उसका कवर लगा लीजिए, फिर ये फिक्स हो जाएगा। अभी उसके चारों तरफ जो जितने भी उसको लगता है उसको टाइट कर लीजिए, रेडी हो जाएगा। आप चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में आपको क्या जानकारी मिला, आपका मशीन अगर क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में नीचे कमेंट करके बताइए, आपका मशीन सॉल्व हुआ कि प्रॉब्लम जो था उसका सॉल्व हुआ या नहीं हुआ वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर यह लाइक कीजिए, लाइक करने में एक मदद रहता है हमारा, आपसे और दूसरे लोगों के साथ वो वीडियो पहुंचता है आप लाइक करोगे तो। और कोई आपको फ्री में होता है सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होता है, हम जब भी वीडियो डालते हैं आपके पास 100% नोटिफिकेशन हो जाता है, और हमारा आगे वाला वीडियो आप देख सकते हो। ये चीज़ें अभी मशीन को हम चलाएंगे, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल मशीन सही सलामत चल रहा है। दोस्तों सबसे पहले अगर आप मशीन फिटिंग कर रहे हो प्लानर मशीन, जो बेल्ट लगता है उसको निकाल के पहले चला लीजिए, आप मोटर का साउंड चेक कर लीजिए, फिर उसका रोलर का साउंड चेक करोगे, फिर दोनों का साउंड आपको सही से पता चल जाएगा इसमें कोई फॉल्ट है या नहीं है। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ से बिल्कुल सही सलामत से मशीन चल रहा है, क्योंकि पहले भी चल रहा था, लेकिन मुझे कस्टमर ने बोल रहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा था स्लो, कभी कभी हम उसको यूज़ करने के में बहुत आवाज़ आ रहा था, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और कोई दिक्कत नहीं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है नीचे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे वेबसाइट का, ऑनलाइन स्टोर का, वहाँ पे जाके बहुत लोगों ने ऑर्डर करते हैं, बहुत लोगों का पार्सल डिलीवरी हो चुका है। अगर आपको आप पहली बार करते हैं छोटा से छोटा ऑर्डर कीजिए, 100 रुपये का जो ऑर्डर है 100% आपके पास पार्सल हो जाएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं यूट्यूब पर हेल्प करने के लिए आया हूँ, जिसको स्पेयर की ज़रूरत है जो मार्केट में नहीं ढूंढ पा रहा है। तो अगर आपके पास मार्केट में है तो ज़रूर मार्केट से ले लीजिए, लेकिन नहीं मिल रहा है तो यहाँ से लीजिए। तो थैंक यू।